नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश में दिनों की अपेक्षा रातों में ज्यादा ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने जानकारी देते हुए बताया है कि 4 फरवरी तक तापमान यही रहेगा, लेकिन 5 फरवरी से तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि मध्य प्रदेश में 5 फरवरी के बाद ठंड पड़ने लगेगी। देखिए आप ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिलहाल दिन की तुलना में रातों में ज्यादा ठंडी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में रात का पारा चढ़ा है, लेकिन अब भी यह सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम है। दिन का पारा सामान्य से ज्यादा चला गया है, हालांकि कुछ इलाकों में अभी यह कम है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि 3 से 4 फरवरी तक तापमान में इसी तरह बढ़ोतरी होगी। 2 फरवरी के बाद प्रदेश में बादल छा सकते हैं, यह राजस्थान में सिस्टम बनने के कारण होगा। हालांकि अब बारिश की संभावना काफी कम हो गई है। 5 फरवरी से फिर तापमान में गिरावट होगी, यह 3 से 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है। पीके साहा ने बताया कि प्रदेश में अभी हल्की ठंड बनी रहेगी, दिन और रात का तापमान ऊपर जाएगा, 4 फरवरी तक इसी तरह बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में 2 फरवरी के बाद एक सिस्टम बन रहा है, इससे 5 फरवरी से प्रदेश में एक बार फिर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि यह प्रदेश के काफी ऊपर से निकलेगा, इस कारण इसका मध्य प्रदेश पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान रात का पारा 10 डिग्री तक आ सकता है। प्रदेश में दिन का तारा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, यह सामान्य से ज्यादा है। रात का पारा अभी सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे चल रहा है। वहीं बैतूल, भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नौगांव, रीवा, सागर, सतना और उमरिया में रात का पारा सामान्य से 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक नीचे चल रहा है। वहीं पीके साहा ने बताया है कि रात का पारा 3 दिन तक चढ़ेगा, यह 13 से 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। बीते 3 दिन में रात का पारा 3 डिग्री बढ़ गया है।